हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ बिकॉज़ मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा था और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही थी। तो मैंने आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करी है और कहीं मैं घूमने भी गई थी हस्बैंड के साथ। हस्बैंड आए थे मेरे, वीकेंड पे आते हैं तो आज हम कहीं घूमने निकले थे, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। आज मैं आपके साथ मटर पनीर की एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। आप देखिए, ये मैंने अभी ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और ये मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसमें पनीर भी फ्राई करना है। और अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट ये सही हो जाएगा ना। मैं बीच में शूट करना भूल गई थी, ये मैं थर्ड टाइम का जो पनीर था उसे फ्राई कर रही थी इसलिए ऑयल थोड़ा ऐसा लग रहा था। तो प्लीज़ अवॉइड करें इस चीज़ को। इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मेरे घर पे किसी को भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा फ्राई पनीर। हल्का सा ही फ्राई करना है। पनीर फ्राई हो चुका है, अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। ये मैंने डाला है बे लीफ बोलते हैं आई थिंक, इसको बे लीफ डाला है मैंने। और इसके बाद मैंने जीरा ऐड किया है, सिंपल सी रेसिपी है। और इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें प्याज ऐड करना है। मैंने इसमें प्याज लहसुन दोनों मैंने चॉप कर लिए थे और इसे फ्राई होने देना है थोड़ी देर तक। अभी इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर तक हम भूनते रहेंगे। वो आपको सभी को ही पता है कि कितना टाइम तक उसको भूनना है तड़के को,
जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ता है। और बेसिक मसाले जो अपने डालते हैं वो डालने हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ नमक, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला का। एक मसाला मैं यहाँ पे और ऐड करूँगी जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी, वो कश्मीरी मसाला है, हमारे यहाँ पे मिला था तो मैंने भी ट्राई किया, सभी ने ट्राई किया था तो कहा था अच्छा टेस्ट है, देन मैंने भी ट्राई किया, मुझे भी अच्छा लगा है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। तो अब मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी, और आपको जितना सही लगता है उतना हल्दी, और उसके बाद मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाते हैं तीखा फीका जिस तरह से भी उस हिसाब से आप मिर्ची भी ऐड करें। देन मैंने गरम मसाला ऐड किया है, अब इसे भी हम मिला लेंगे। गैस मैंने बीच में कम किया था, अभी मैं ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीच बीच में और भी काम करने पड़ रहे हैं, तो अभी गैस मैंने फुल किया, अभी इसे फुल गैस पे पका लूँगी मैं। ये है वो मसाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतना सा ही बहुत है, और ये बहुत हार्ड होता है। या तो आप इसको पानी में भी भिगो सकते हो, बट मैं भिगोना भूल गई थी इसलिए मैं इसको नाइफ से हल्का हल्का सा कट करूँगी जिससे कि ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और बाकी मसाला में जा करके सही हो जाएगा जब गर्म होगा तो। अभी इसमें ऐड करेंगे मटर। एक्चुअली मैंने थोड़ा तेज़ किया है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वरना वीडियो, और मेरा स्टार्टिंग भी है तो मुझे इतना अच्छे से वीडियो शूट भी नहीं करना आता है, तो अभी हमने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं और हम इसे भी थोड़ा भून लेंगे। अब ये काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए, आपको जितना अच्छा लगे, वैसे तो कम ही ऐड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने से मटर पनीर उतना अच्छा नहीं बनता है। ग्रेवी मीडियम जैसी ही रखी है मैंने भी। अब मैं इसका लेड लगा दूँगी, और यहाँ पे ठंड बहुत होती है तो इसलिए दो विसल तो लगेंगी ही इसे क्योंकि इतना जल्दी पक नहीं पाता है कुछ भी। तो अभी मैंने लेड लगा दिया है और मैं दो विसल के लिए वेट करूँगी, तब तक मैं रोटी के लिए आटा प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, सभी के अपने अपने ट्रिक्स होते हैं आटा गूंदने के, मैं नॉर्मल ऐसे ही आटा गूंदती हूँ। ये डिनर का टाइम है तो ये डिनर के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरा दिन तो मैं बाहर ही रही, हस्बैंड के साथ थी, थोड़ा काम था, तो वो क्लिप भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे।
अभी इस फॉर्म में आ चुका है और मैं अब इसके बाद इसे रेस्ट दूंगी। अब मैंने इस तरह से इकट्ठा कर दिया, थोड़ा पानी और इसमें ऐड करके इसको फैला करके अब मैं रेस्ट दूंगी इसे। उसके बाद आप देखेंगे, अगर आप रेस्ट देते हैं अपने आटे को तो उसके बाद वो बहुत ही इजी हो जाता है आपको आगे सेट करने के लिए, डो लगाने के लिए। और आप भी कोशिश करें कि इस तरह से आटा गूंथते वक्त अगर थोड़ा रेस्ट दें तो वो ज़्यादा अच्छा आटा, फिर ज़्यादा अच्छी चपाती बनती है उसकी। मैं बीच में फिर से भूल गई थी कैमरा ऑन करना, क्योंकि मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया था। ये अभी मुझे बाद में याद आया कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। ये लास्ट में मैंने पनीर ऐड किया था, उसके बाद मैंने एक विसल और लगवाई थी इसमें, तो ये फिर आपके सामने है। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही यमी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। और इसके बाद इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ। अब इसके बाद है बारी चपाती की। तो डिनर में वैसे ज़्यादा नहीं खाते मेरे घर पे कोई भी, तो वही दो दो चपाती सबके लिए बनेंगी, और अभी बना लेते हैं। मैं अभी एडिट करते हुए देख रही थी कि बहुत बड़ी बड़ी चपाती का साइज़ लग रहा है, बट गाइस इतनी बड़ी बड़ी चपाती नहीं थी, नॉर्मल साइज़ था, बट इसमें बहुत बड़ी लग रही है। गाइस आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए बाय।